जी हमने 108 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मखदूम सैयद फैसल साले हयात जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अपने सपोर्टर्स के बड़ी तादाद सपोर्टर्स के साथ यहाँ पहुँचे हैं रैली की सूरत में, और रैली की खुद वो क्यादत कर रहे थे और रैली के फ्रंट पे उनके चाहने वाले जो हैं वो मौजूद थे। बड़ी तादाद में जो उनके मलंग हैं वो यहाँ पर जो हैं वो मौजूद थे। और इस वक्त ये रिटर्निंग ऑफिस है, हमने 108 यहाँ पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने के लिए पहुँचे हैं, और बड़ी तादाद उनके सपोर्टर्स की यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा रश है यहाँ पे लगा हुआ, और काफ़ी जंग में अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जंग के इलेक्शन में इस वक्त गहमा गहमी जो है वो काफ़ी अरूज पर है। और साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद फैसल साले हयात जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। इन्हें 108 से उम्मीदवार होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी गहमा गहमी जो है वो अब मतलब मैंने पिछले मैं 2-4 रोज़ से यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो गहमा गहमी आज देखी है, क्योंकि आज ज़्यादातर उम्मीदवारों को था कि आज आखिरी दिन होगा, लेकिन 2 दिन मज़ीद जो हैं वो दे दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सटेंड किए गए हैं। और यहाँ पर अब जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। अन्य 108 की अगर हम बात करें तो आज 2 उम्मीदवार बड़े उम्मीदवार अगर हम बात करें यहाँ पर उम्मीदवारों की, तो मखदूम सैयद फैसल साले हयात और गुलाम बीबी भरवाना, ये 2 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आज कागजात नामजदगी जमा करवाए एन ए 108 से। इसके साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ मनाजिर जो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मखदूम फैसल साले हयात जब यहाँ पर पहुँचे तो बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स उनके हमराह थे, और गहमा गहमी जो है वो काफ़ी अरूज पर है। सिक्योरिटी की भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जंग पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और अभी हम एन ए 108 के जो इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है, 8 कौन जीतेगा इसका फैसला तो जो है वो 8 फरवरी को होगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर जंग की, क्योंकि रिवायत है यहाँ पर आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, गाड़ियों पर जो है वो फूल निछावर किए गए, फूल की पत्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और जंग की रिवायत रही है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार आते हैं वो ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए उनके हामी उनके साथ होते हैं, और उम्मीदवार जो है वो बड़ा उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ पर भी मैंने देखा, जैसे पहले बाकी उम्मीदवारों को देखा तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मैंने ये यहाँ पर रैली देखी मखदूम सैयद फैसल साले हयात जो कि शाह जुमला से इस रैली को जो है वो लीड कर रहे थे और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिस जो है वो पहुँच चुके हैं। और इसके साथ आपको जो हमने पहले भी इस हवाले से ब्लॉग किया था, जो र्यूमर्स हैं जो खबरें हैं अभी जो हमारे ज़राए हैं वो कन्फर्म ये कर रहे हैं कि मखदूम साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है इसका फैसला तो जो है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी जो र्यूमर्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी मखदूम साहब जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके हमराह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उनके हमराह थे, और जो जो फ्रंट पे थे रैली के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मकामी यहाँ पर रहनुमा हैं जो अहदेदार हैं वो उनके हमराह थे। तो बहरहाल ये चीज़ें इस वक्त जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं इलेक्शन के हवाले से झंग के वो हम उससे आपको आगाह कर रहे हैं।